सबसे अहम स्लोगन वो क्या था? खाना खुद गर्म कर लो। मैं इसको एक हद तक सपोर्ट भी करता हूँ। सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम खुद करते थे, और हमें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज अ मैन आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर डूइंग एनी हाउस वर्क। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज मी बीइंग ऑनेस्ट विद यू, आई फाइंड इट थेरेप्यूटिक टू क्लीन डिशेज। मेरे लिए ना, जब मैं थका हुआ हूँ ना, जब जो ना काम से या इधर उधर से, तो इफ़ आई गो एंड वॉश सम डिशेज, नॉट दैट माई वाइफ सेज़ टू मी कि चलो जाओ बर्तन धो के आओ, लेकिन मैं खुद से देखता हूँ कि इफ़ शी इज़ बिजी समवेयर एंड शी इज़ विद द किड्स एंड आई हैव टू वॉश डिशेज, आई लव टू, बिकॉज सम हाउ बर्तन धोते हुए ना बंदा रिलैक्स हो जाता है, पानी बह रहा होता है, साबुन होता है, वो कुच्ची के साथ रगड़ रहे होते, आप अपने सोचों में होते हो, ख्यालों में होते हो, और आप एक बड़ा मज़ा आ रहा था, पानी गिर रहा है, सॉरी। सो आई फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक, एंड मैं कभी कभार ये कर देता होता हूँ। सो आई लव डूइंग स्टफ अराउंड द हाउस एंड दैट्स फाइन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सिया करते थे, अपने जूते ख़राब हो जाए वो खुद मेंट करते थे, एंड खाना खुद देखना सब कुछ खुद कर लेते थे, कोई इतना बिग डील नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इस एटीट्यूड के साथ, मुझे इस एटीट्यूड से मसला है, जो कहा कि खाना खुद गर्म कर लो, यानी आप एटीट्यूड ना दें प्लीज़। सो वी वुड लव टू डू इट, बट माइनस द एटीट्यूड, ठीक है, लूज दैट एटीट्यूड, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो द थिंग इज, अगर ये स्लोगन्स की बात करनी है, इमेजिन करें अगर कल को मेन डे मनाना शुरू कर दें, और मर्द जो ना सड़कों पे निकल आए और बैनर और प्लेकार्ड उठा लें, और वो कहें कि अपनी, मतलब वो अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहें कि अपने बैग खुद उठा लो, एक और प्लेकार्ड में लिखा हो बाथरूम में छिपकली खुद ही मार लो, एक और प्लेकार्ड में लिखा हो बोतल का ढक्कन खुद खोल लो, क्योंकि आई स्टॉप, आई हैव लॉस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स माय वाइफ कम्स टू मी एंड सेज कि आप खोल सकते हैं, दो इधर लो बिस्मिल्लाह कड़क ये लो। सो मैं कोई बोतल का ढक्कन खुद खोलो, मेरे पास, मैं क्या इस दुनिया में सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं बोतलों के ढक्कन खोल खोल के तुम्हें देता रहूँ? इज दैट माई जॉब? हाउ डिमीनिंग इज दिस? आई एम समवन हु इज टॉकिंग टू पीपल अबाउट अल्लाह सुभान व तआला एंड गिविंग लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड सो, और मुझसे आप ढक्कन खुलवाएंगे बोतलों के? मैं छिपकलियाँ मारने के लिए रह गया हूँ। आजकल ये तंबूड़ियाँ वगैरह बहुत आई हुई है ना, तो हर दो मिनट के बाद ये तंबूड़ी मार देंगे प्लीज़। सो मतलब मेरा यही काम रह गया पीछे, बट आई लव टू डू इट इंशाल्लाह। अगर मैं बैनर प्ले कार्ड लेकर आने पे, तो हम भी बहुत सारे स्लोगन रेज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जी यानी जो जंगे हैं वो भी आप खुद ही लड़ लें, जहाद फी सबीलल्लाह भी आप कर लें। अगर खुदा न खास्ता घर में चोर और डाकू आ जाए, तो बजाय कि मैं आ गया हूँ, आप मेरे आगे आ जाए और कहें नहीं, और गोलियाँ आप सीने पर खा लें, बट दैट डजंट हैपन। ये तो नहीं होता कि अगर चोर आए तो मैं बीवी को कॉल करता हूँ कि आप बचाएं मुझे, आप बचाएं। सो द थिंग इज, वी आर हैप्पी टू हेल्प आउट अराउंड द हाउस, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प आउट, वी आर हैप्पी टू हेल्प आउट एज एंड व्हेन, जब भी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एटीट्यूड जो है ना, ये बड़ा डिफाइंट एटीट्यूड है। अच्छा, यही औरतें जो ये बैनर प्लेकार्ड लेके घूम रही हैं कि जी खाना खुद गर्म कर लो, इनको जहाज़ों में खाना गर्म करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती? जब एयर होस्टेस बन जाती है फॉर एग्जाम्पल कोई, वो अब वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ कहता जी एक्सक्यूज मी खाना गर्म कर दीजिए, जी थैंक यू मैं भी करके लाती हूँ, वहाँ पर कोई मसला नहीं। अगर बाहर के मुल्कों में वेट्रेसेस के तौर पे काम कर रही हैं बेचारी, जिनको आप कहते हैं निकलो बाहर निकलो बाहर, वहाँ पे कोई गंदा सा स्लीजी सा कस्टमर आके आपको गंदी नज़र से देखता है और कहता है कैन यू प्लीज़ रीहीट दिस, उसको आप कहेंगे जी ऑफ कोर्स आई विल, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड निकलेगा तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर। दैट्स व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, कि बाकी आप डेवू के बस में हो या आप हवाई जहाज में हो या आप रेस्टोरेंट में हो, तब सबके लिए खाना गर्म हो सकता है, लेकिन वो गरीब तुम्हारा शोर ही रह गया पीछे जिसके लिए खाना गर्म नहीं होगा। सो आई वुड से कि यस, मर्द अपना खाना गर्म कर ले, नो प्रॉब्लम, बट मुझे प्रॉब्लम है इस एटीट्यूड के साथ, नॉट विद द इशू इटसेल्फ, बट रादर विद दिस एटीट्यूड जो कि इस जुमले के अंदर भरा हुआ है। और जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, वो तो अल्लाह जाने क्या चीज़ है, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि वुमेन को जो राइट्स मिल रही हैं वो मेन से भी ऊपर हो जाएं, और एक इनजस्टिस क्रिएट हो जाए माशरे में कि बेसिकली वुमेन को जहाँ पर उनकी लेवरेज होती है वो ले लें, जहाँ पर उनका फ़ायदा है वो ले लें, और जहाँ पर कहीं पर थोड़ा बहुत कमी आ रही है वहाँ पर मर्दों के साथ कम्पीट करें। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना, पाकिस्तान में अगर लाइन लगी हो बैंक के बाहर बिल पे करने गए हुए हैं या कुछ करने गए, अगर ख्वातीन आती हैं तो कोई शरीफ बंदा जो है वो साइड पर जाता है, कहते हैं जो ना बहन आप चले जाएं पहले। मैंने खुद देखा है कभी कभार वो चलान देने गए हो बिल पे कर, तो हम लोग ख्वातीन को आने देते हैं, अव्वल तो उनके लिए अपनी लाइन बनी होती है। अच्छा, ख्वातीन, ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, वो कहते हैं ये पर्क्स हमें चाहिए, ये पर्क्स चाहिए, लेकिन इसके अलावा हम लोग बराबर होने चाहिए। We want all the perks that women get by default in society. For example, Titanic डूब रही है,
आवाज लगाता कैप्टन सेव द वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो द मॉडर्न फेमिनिस्ट सेज वी वांट दैट. यस सेव द वुमेन एंड चिल्ड्रन. मर्द मर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी हम शाना बशाना होना चाहते हैं. सो वो इंग्लिश में कहते हैं यू कैंट ईट योर केक एंड हैव इट टू. अगर आप बराबरी चाहते हैं तो फिर बराबरी के बहुत सारे तरीके हैं, और वो फिर हम कहेंगे अगर आप वाकई शाना बशाना होना चाहते हैं तो लेट स्टार्ट हैविंग बॉक्सिंग मैचेस विद मैन एंड वुमेन. वो क्या क्या तकल्लुफ के जी मैंस बॉक्सिंग वुमेन्स बॉक्सिंग, क्या ऐसा तकल्लुफ करना कि जी मैंस 100 मीटर्स वुमेन 100 मीटर्स, मैंस टेनिस वुमेन्स टेनिस, सारों को आपस में लड़ा दो. MMA फाइटिंग हो रही है, WWE रेसलिंग हो रही है, मर्दों औरतों पर लड़ा दो आपस में. क्यों नहीं लड़ाते हो? क्योंकि यू अंडरस्टैंड दैट वी आर डिफरेंट. नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू से कि वी आर बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, वी आर नॉट. यू आर फूलिंग योर सेल्फ इफ यू से दैट. अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में भी कहते हैं वले से ज़िक्र कल उनसा, जो है ना द मेल इज़ नॉट लाइक द फीमेल. वी आर डिफरेंट बायोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली. सो मैन के लिए कुछ डिफरेंट रोल्स हैं सोसाइटी में, वुमेन के लिए डिफरेंट रोल्स हैं. हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करेगा, और अल्लाह किसी को कैपेसिटी से ऊपर बर्डन नहीं डालते उसके ऊपर. लेकिन अब आप ये कहेंगे नहीं, हमने औरत होते हुए सारे वो काम करने हैं मर्दों वाले. मैं ये कहता हूँ आपसे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्दों को बनाया है कुछ खास काम करने के लिए, और औरतों को बनाया है वो काम करने के लिए जो मर्द नहीं कर सकते. औरतें जो थर्ड वेव फेमिनिज्म में कह रही हैं हमने सारे वो काम करने हैं जो मर्द करते हैं, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है. आपने जाके जिहाद फीस भी ले लिया लड़ना, जाके आप जाके कोल माइंस में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी जाके वो ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन वो जो ना रेल रोड ट्रैक लगाएं, आप लोग दरख्त काटना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि प्रिजन गार्ड्स आप बने. ये जो सारे इंतहा के ख्वारी वाले काम हैं, कोल माइंस, यू नो वन ऑफ द वर्स्ट जॉब्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मतलब जॉब्स इज वर्किंग इन द कोल माइंस. इट इज टॉक्सिक, इट इज डार्क, इट इज यानी उनका लाइफ स्पैन ही 5 साल होता है. जो बेचारा कोल वर्कर होता है, अक्सर औकात लोग कहते हैं कि द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड इज टू बी अ मदर. एंड येस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ मदर, बट अ मदर रूट के अंदर क्या है, आप फिर भी अपने पजामाज में बैठ के घर पर काम कर सकते हैं. वो जो बेचारा कोल माइन के अंदर काम कर रहा है, वो उसकी बेचारे की जान खतरे में, वो 5 साल में मर जाएगा. उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 6 साल है, और वो कर रहे हैं मजबूरी के तहत कि उसने अपने बच्चों का पेट पालना है. एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं लोग. अफ्रीका में आप देखें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सूडान में देखें, सोमालिया में देखें, लोगों के साथ क्या हो रहा है. दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैंने खुद अबू धाबी दुबई में रहा, वहाँ पे आपको पता है कि जो लेबर वर्कर जो काम कर रहे हैं, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, वो इंसान है या वो जानवर है? हाउ दे आर वर्किंग. टॉल स्काई स्क्रीपर बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगाते हुए अगर टेम्परेचर 50 डिग्रीज हो जाए और बाहर बंदा काम कर रहा है, आप सोचें, हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होता है हमारे पसीने छूट जाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या क्यामत हमारे पे आई है. ये 50 डिग्रीज टेम्परेचर में ईंटें उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, बजरी सीमेंट उठा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन ऑल्सो. जहाँ पे उनको मिनिमम एक कमरे में 10-10 बंदा गुस्सा होता है, एंड दे वर्क 10 आवर्स अ डे. 10 घंटे दिन में काम जो करता हो इंसान विद जस्ट 1 हाफ एन आवर की ब्रेक, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? सो द पॉइंट इज के अल्लाह ताला ने मर्दों को एक फिजिकल स्ट्रक्चर दिया है, वो इस तरह का हार्ड लेबर कर सकते हैं. औरतों को एक और तरह की सलाहियतें दी हैं जो मर्दों के अंदर नहीं है. जिस तरह से खवातीन बच्चों को रेज कर सकती हैं, कोई मर्द भी उस तरह रेज नहीं कर सकता. अल्लाह ताला ने रोल्स डिफाइन किए. सो जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ये चाहता है इन सारी लाइंस को ब्लर कर दो और सारों को मिक्स कर दो, को सब बराबर हैं, लेकिन बराबर होने के बाद औरतों को अपर हैंड दे दो. इस्लामिकली स्पीकिंग अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक मकाम बख्शा हुआ है. हस्बैंड वाइफ के बीच में कहा मवद्दा व रहमा, इनके बीच में मोहब्बत होनी चाहिए और रहमत होनी चाहिए. मोहब्बत होती है कि यू लविंगली टॉक टू योर वाइफ एंड यू लविंगली टॉक टू योर हस्बैंड. कहा कि ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए. रब्बाना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन, कि अल्लाह जब मैं घर आऊँ तो मेरी बीवी मेरी आंखों की ठंडक हो, और बीवी भी ये दुआ करे कि जब मेरा शौहर घर आए तो मेरी आंखें ठंडी हो जाएं. ना कि हस्बैंड मुझे एटीट्यूड दिखाए घर आके और मैं हस्बैंड को एटीट्यूड दिखाऊं. इसमें ना तो जो ना मुवद्दा है और ना ही रहमा है. देयर इज़ नो लव इन दिस रिलेशनशिप. सो मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी मैरिज एंड अ गुड मैरिज, देन यू हैव टू लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. एंड इट्स नॉट अबाउट पासिंग ऑर्डर्स. ये ऑर्डर चलाने वाला नहीं है कि हस्बैंड वाइफ पे ऑर्डर चला रहा है और वाइफ हस्बैंड पे ऑर्डर चला रही है कि चलो ये काम करो. वो प्यार से होता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप काइंडली मुझे बताएं कौन सा हस्बैंड ऐसा है कि जिसकी उसको उसकी वाइफ रिक्वेस्ट करे उसको कि जी आप काइंडली ये काम कर सकते हो और वो ना करें. बहुत ही अंदर से ढीठ होगा जो नहीं करेगा. मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, अगर वाइफ बीमार है, मिसाल के तौर पर वाइफ बीमार हो, कहती प्लीज़ मैं आज तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ कर दें, और ये किया, आई मीन हूएवर इज अ हस्बैंड, वी नो कि कई दफ़ा करना पड़ता है. बीमार है, कुछ हो गया, वी हैव टू टेक द फ्रंट सीट. ये नहीं करनी है तुम खुद कर लो, मेरा काम ही नहीं. हम करते हैं,
बहुत ज़्यादा अबव एंड बियॉन्ड कर जाते हैं, सारी रात उठ के पूरा ख्याल भी रखते रहेंगे, सब कुछ करते हैं, बिकॉज देर इज़ लव देयर, देर इज़ कंपैशन देयर, देर इज़ मर्सी देयर, कि इसने मेरा इतना ख्याल रखा तो अगर मैं अगर दो रातें जाके तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अगर एक्स्ट्रा करी तो क्या फ़र्क पड़ता है। दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप इस्लाम वॉन्ट्स टू इनकरेज, नॉट दिस एटीट्यूड कि हस्बैंड अपना एटीट्यूड बना ले, बीवी अपना एटीट्यूड बना ले, और दोनों के नहीं मेरा हक है मेरा हक है, ओके मेरा हक है मेरा हक है, इस तरह नहीं होता। कई जो है ना कभी कभार ऐसे भी होता है कि वाइफ से गलती होती है या हस्बैंड से गलती होती है और दूसरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। एक जो है ना वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको एक उनकी वाइफ के साथ इशू था कि वो उनको उनके साथ बहुत गुस्सा करती थी, तो वो उमर इब्न खत्ताब की तरफ जा रहे थे, उस टाइम पे वो अमीरुल मोमिनीन थे, तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगे, तो अभी नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई जिसके जो है ना जिस तरह उमर इब्न खत्ताब की वाइफ जो है वो उन पर चीख रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मसले का हल लेने आया था, यहाँ तो उनको भी ये मसला है, तो वो वापस यू टर्न ले रहे थे, तो उमर इब्न खत्ताब इतनी देर आ गए दरवाजे पर, उन्होंने कहा आप जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन छोड़ें आप मेरा मसला नहीं हल कर सकते, उन्होंने कहा हुआ क्या है बताएं तो सही, कहते हैं मैं असल में ये कहने आया था कि मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा बहुत होती है, तो मैंने देखा आपके भी हालात कुछ मुझसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तो उन्होंने जो है उमर इब्न खत्ताब बाहर आए, दरवाज़ा बंद किया और उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, हमारी जो वाइफ्स हैं वो हमारा भी ख्याल रखती हैं, हमारे बच्चों का ख्याल रखती हैं, हमारे लिए ये करती हैं, उन्होंने सारे फेवर्स गिनवाए और कहा अगर वो कभी कभार थोड़ा गुस्सा हो जाए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो तुम भी जाके ना सब्र करो इंशाल्लाह, तो वो चले गए वहाँ से। एंड दिस शोज़ यू द काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर दैट वी शुड हैव ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, कि जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, अल्लाह ताला भी कुरान में ही कहते हैं हो सकता है तुम्हें उसमें कोई चीज़ें बुरी लगती हों, बट इन इट अल्लाह हैज़ पुट अ लॉट ऑफ खैर, अल्लाह नोज एंड यू डू नॉट नो। सो द फैमिली स्ट्रक्चर विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क इज़ दैट ऑफ लव एंड मर्सी, जिसमें ये चीज़ प्राइमरी है। अगर आप शादी कर रहे हैं इस नीयत से कि मैं अपने सारे हकूक लेके छोड़ूंगा, अल्लाह करे आपको सारे हकूक मिले, लेकिन अगर आप बीच में एक एक्टिविस्ट बन जाएंगे ना तो फिर वो मैरिज ज़्यादा अर्से नहीं चल सकती, बिकॉज उसमें गिव एंड टेक होता है, कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कहीं पे वो करते हैं आपके साथ, सो गिव एंड टेक होता है। एंड यू मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हान व तआला कि या अल्लाह इस फैमिली को अच्छा कर दे, हमें एक दूसरे की आंखों की ठंडक बना दे और हमारे बच्चों को मुत्तकी बना दे और हमें उन पर इमाम बना दे, कि हमारे बच्चे नहीं हमारे बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे सारे मुत्तकी हो जाएं। इमेजिन हाउ अमेजिंग वुड इट बी फॉर यू टू दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।